इस फिल्म से पहले सबने मुझे मना किया था ये पिक्चर मत कर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये मुझे पिक्चर करनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं, उन प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नाम है सुनील मनचंदा साहब, इसे इसके लिए बाल मुंडवाने पड़ेंगे। वैसे यार बाल कैसे मुंडवाऊंगा यार, इसको बाल के साथ नहीं, वो कैरेक्टर ऐसा है कि बाल मुंडवाने पड़ेंगे। वो पिक्चर चली गई हाथ से कि बाल वाल तो मुंडवाने का कोई चांस ही नहीं था। तो एक हमारे दूसरे प्रोड्यूसर है बबी कैंट साहब, शादी करके फंस गया यार की शूटिंग कर रहा था और कहीं दूर एक कोई मंदिर थी जिसके करीबन 400 सीढ़ियां चढ़नी थी मुझे। तो रात को आए मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा कि यार कल की शूटिंग उड़ा देना क्योंकि वो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो इसे नहीं यार, वो शिल्पा शेट्टी की डेट है, वो हमने लोकेशन के लिए 18,000 भरे हैं, तो ऐसे 18,000 रुपये मुझसे ले ले, कैंसिल कर दे। वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं शूट करूँ, तो मैंने बोला 6 बजे आ जाना रेडी फॉर शूटिंग, कम एंड पिक मी अप। तो जैसे वो गए, मैं बाथरूम में गया, मैंने ट्रिमर से बाल उड़ा लिए। What? Yeah. स्ट्रेट विंडो द बाथरूम, ट्रिमर होता है ना, उससे पूरे बाल मैंने उड़ा लिए और मैं वहां पे खड़ा हो गया। 6 बजे आए, मैं वहीं पे खड़ा, ऐसे चले शूटिंग करें। इसे तू 18,000 देने वाला था ना मुझे, इसे तू 18,000 देने वाला था, दे दे, शूटिंग कैंसिल कर देता हूँ मैं। फिर मैंने सुनील को बोला कि भाई ये बाल तोड़ गए, स्टार्ट कर लो। उसके बाद मेरे को 3 बार बाल मुंडवाने पड़े, 3 बार, बिकॉज वो शूटिंग उसके करीबन 6 महीने बाद शूटिंग शुरू हुई। तो ये है इस तेरे नाम की जर्नी।